नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नॉलेज विथ माही पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप अपने YouTube चैनल का नाम कैसे बदल सकते हैं और अपने YouTube चैनल का नाम बदलना सही है या गलत है। तो बताएंगे बिल्कुल आसानी में, तो वीडियो को लास्ट तक देखें, इन तक देखें, और कहीं कोई दिक्कत होती है तो कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, आपको अपना YouTube चैनल ओपन कर लेना है। आप यहां पर आपके चैनल का लोगो दिखाई देगा, आपको अपने चैनल के लोगो पर क्लिक करना है। तो आपको फ्रेंड्स अपने चैनल के लोगो पर क्लिक कर देना है। जैसे ही फ्रेंड्स क्लिक करोगे, इसके बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं कि योर चैनल दिखा रहा है, तो आपको आप योर चैनल पर क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स जैसे ही योर चैनल पर क्लिक करोगे, उसके बाद फिर से इस तरीके का इंटरफेस आएगा। आपको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका जो लोगो होगा, लोगो दिखाई देगा, और यहाँ पर आपका चैनल का नाम, यहाँ पर सब्सक्राइबर दिखाई देगा। तो फ्रेंड्स बात करने वाले हैं कि आप अपने यूट्यूब चैनल का नाम कैसे बदल सकते हैं। तो यहाँ पर कौन साइड में आप देख सकते हैं कि सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा है, तो आपको फ्रेंड्स इसी वाले आइकन पर क्लिक कर देना है। फ्रेंड्स जैसे ही इस वाले आइकन पर क्लिक करोगे, उसके बाद यहां पर आपको पेन का आइकन मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स ये हमारा एक काम चलाऊ चैनल है, इस पर कोई एक्सपेरिमेंट करना होता है तो हम इसी चैनल पर एक्सपेरिमेंट करते हैं। और मैं आपको यहाँ पर यह सलाह देता हूँ कि आप भी एक्सपेरिमेंट इसी तरीके के चैनल पर किया करें। तो आपको यहाँ पर पेन वाले आइकन पर क्लिक कर देना है। फ्रेंड्स जैसे ही फ्रेंड्स इस वाले आइकन पर क्लिक करोगे, इस तरीके का इंटरफेस यहां पर आएगा। तो यहां पर आप अपने चैनल का नाम बदल सकते हो। तो जैसे मैं आपको यहां पर अपने चैनल का नाम बदल के बता दूं, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हमने अपने चैनल का नाम डियर माही रख लिया है। डियर माही पहले से हमारा एक दूसरा चैनल नाम है। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर और देख सकते हैं कि लिखा है थ्री नेम्स चेंज आर अलाउड इन 90 डेज पीरियड। तो यहाँ पर दिखा रहा है कि आप 90 दिनों में अपने YouTube चैनल का नाम तीन बार बदल सकते हैं। और फ्रेंड्स अगर आप तीन बार से ज़्यादा बार चैनल का नाम बदलते हैं तो इससे आपको नुकसान क्या होगा, इसी वीडियो में हम आपको बताएंगे। और अधिक आपको जानकारी चाहिए तो यहाँ से आप लर्न मोर पर क्लिक करके यहां से भी पढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसके बाद यहां पर आपको क्लिक कर देना है, ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो यहां पर जैसे ही क्लिक करोगे, यहां पर आप देख सकते हैं कि आपके चैनल का नाम बदल चुका है। तो फ्रेंड्स आपको अपने चैनल का नाम बदलना चाहिए सही या गलत। तो फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पर सलाह देना चाहता हूँ कि आप अपने यूट्यूब चैनल का नाम 10 से 15 दिन तक सोच ले, या महीने दो महीने तक आप अपने चैनल का नाम सोचें। आप अपने चैनल का नाम यूनिक रखें, इस तरीके से सोचें कि आपके चैनल का नाम आपको बार बार बदलने की ज़रूरत ना पड़े। तो फ्रेंड्स जैसे कि मान लो हमारा जो जैसे कि दिलीप राजमाही, जो हम अपने पहले के नाम से यहाँ पर चैनल था, उस चैनल को देखें। तो जैसे मान लो हम किसी व्यूवर्स ने हमारी पहले की वीडियो की देखा, तो उसमें हमने बताया कि हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है, आप हमारे चैनल दिलीप राजमाही को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। यदि कोई व्यक्ति सुनता है बगल में, तो वो YouTube पर सर्च करेगा, तो आप वहाँ पर आपका जो रिसेंटली नाम है आपने चेंज कर दिया है, तो वहाँ पर आपको सब्सक्राइबर के साथ साथ आपको वॉच टाइम और व्यूज का भी नुकसान हो सकता है। या फ्रेंड्स आपने 4 से अधिक बार नाम चेंज कर दिया, मान लो आपने तरह तरह के नाम बदल दिए, और लास्ट में आपने डियर माही अंत में आकर अपने चैनल का नाम सोच लिया कि अब मैं नाम अपने चैनल का नहीं बदलूंगा, तो आपको 90 दिनों का इंतज़ार करना होगा। और मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि आप यहाँ से चेंज करेंगे तो आपका नाम यहाँ पर चेंज तो हो जाएगा, परंतु सर्च लिस्ट में नहीं आएगा। कोई भी व्यक्ति सर्च करेगा तो पुराने नाम से सर्च करेगा तो उसका चैनल का सर्च लिस्ट में आ जाएगा, और जो नया नाम है वो नाम नहीं आएगा। ऐसा हमारे एक फ्रेंड के साथ हो रहा है, जो हमारे साथ ही रहता है। उसने क्या है कि अपना यूट्यूब का चैनल का नाम कम से कम 6 से 7 बार बदल चुका है, परंतु आज उसके चैनल का ये हालत है कि उसके चैनल का जो अभी रिसेंटली नाम है वो सर्च करता है तो नीचे तक
कम से कम देखता है 15, 20, 50 वीडियो तक चैनल देखता है, फिर भी उसके चैनल का लोगो या उसका चैनल नहीं आता है, और वह व्यक्ति पुराने चैनल को सर्च करता है तो उसका नाम आ जाता है। तो मैं यहाँ पर आपको सलाह देता हूँ कि आप अपने चैनल का नाम एक बार रखें। और फ्रेंड्स, चैनल का नाम आप रखने से कोई व्यूज़ नहीं आते हैं, कि आपने चैनल का नाम कोई अच्छा सा रख लिया तो आपकी वीडियो जो है वायरल हो जाएगी, आपकी वीडियो पब्लिक हो जाएगी। मान लो व्यूज़ 1,000 व्यूज़ आ जाएंगे, 10 लाख या मिलियन व्यूज़ आ जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप यहाँ पर डिपेंड करता है कि जैसे आपने नाम रख लिया तो आपको वीडियो में बोलने में आसानी होगी, लोगों को बोलने में आसानी होगी, और कोई भी व्यक्ति सर्च करेगा तो आपकी वीडियो टॉप पर दिखाई देगी। तो यहाँ पर चैनल का नाम रखते वक्त यहीं पर जो यही कुछ बातें होती हैं जिनको ध्यान में रखना होता है। और फ्रेंड्स, चैनल का नाम मैं सलाह दूं तो अगर आप मेरी माने तो चैनल का नाम आप एक बार सोच लें, उसके बाद अपने चैनल का नाम फिर कभी भविष्य में ना बदले, या बदलें तो आपके मान लो कि यहाँ पर 20,000, 30,000 या 46,000 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हों, तब आप अपने चैनल का नाम बदलें तो वहाँ पर आपको दिक्कत नहीं होगी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि जो जानकारी हमने दी है आपको समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ से आपको एक जानकारी और दे दूँ कि यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन देख रहे हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन वाले आइकन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप 1,000 वर्ड लिख सकते हो, यहाँ पर अपने दूसरे चैनल का यूट्यूब लिंक दे सकते हैं या सोशल मीडिया का लिंक दे सकते हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पर आप एक बार में टाइप कर देंगे और सेव कर देंगे तो इसका फ़ायदा आपको ये होगा कि जब आप क्रोम ब्राउज़र से वीडियो अपलोड करोगे तो आपके डिस्क्रिप्शन में ऑटोमेटिक ही लिखा रहेगा, वहाँ पर आपको कुछ थोड़ा सा चेंजेस करना होगा, बस आपको यह फ़ायदा होगा। लेकिन अलग तरीके से आप वीडियो को अपलोड करोगे तो ये फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर हमने ज़्यादा कुछ खास लिखा नहीं है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि वीडियो अच्छी लगी होगी। फ्रेंड, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि इससे जुड़ी कोई दिक्कत, कोई समस्या है तो कमेंट करके बता सकते हैं, मैं पूरा सोल्यूशन देने का प्रयास करूँगा। और किसी अन्य टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो भी आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।